ओ रे बाप रे बाप, इतना सुंदर क्या है, गणपति जी बनाया हुआ हाँ है गणपति जी बनाया मैंने। भारे। दोस्तों देखो इतना सुंदर है भाई। ये मोस्ट फेवरेट आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क में ओ से एक भाई, है। इसमें मैंने करीब 10 दिन के ऊपर टाइम स्पेंड किया इसमें, इस आर्ट वर्क में ये 10 दिन के पूरा ऊपर लगा। हाँ 10 दिन के। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज जो आया हूँ मेरे एक दोस्त के घर पे, उसने बहुत अच्छी तरीके से पेंट किया हुआ है, मतलब कि आर्ट किया हुआ है। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, और साथ ही साथ वो कमीशन वर्क भी करते हैं, तो साथ तो आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ जो उसने आर्ट किया हुआ है। इतने अच्छे तरीके से पेंट करता है ना, आप लोग जरूर देखने के बाद बहुत बहुत पसंद आएगा। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा जो मेरे दोस्त है, उसको भी आप पहले दिखाते हैं, साथ ही साथ उसने जो ड्रॉ किया है अभी उसको भी दिखाऊंगा। तो चलो आप लोग बने रहना लास्ट तक। तो दोस्तों मेरा दोस्त जो है वही है, तो आप मेरे दोस्त कुछ कहने वाले हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप धर और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्ट करता भी हूँ एंड कराता भी हूँ। तो जो उसने मेरे दोस्त ने जो आर्ट किया हुआ है, मैं आप लोगों को अभी शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से करता है, साथ ही साथ तो अभी जो उसने ड्रॉ किया हुआ है अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और उसका उसने मतलब कि इसमें इस डिस्प्ले बुक में है, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। हाय, तो दोस्तों उसने जो ड्रॉ किया हुआ है इसी के अंदर में है, ये डिस्प्ले बुक के अंदर। तो अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा खुल के दिखाइए जरा। ओ रे बाप रे बाप, इतना सुंदर क्या है, गणपति जी बनाया हुआ हाँ है गणपति जी बनाया मैंने। भारे। दोस्तों ये देखो इतना सुंदर है भाई, थोड़ा दिखाता हूँ पास से। ओ भाई, पूरा पेंसिल से आर्ट किया हुआ है, पूरा पेंसिल से, पूरा के कंफाइन पूरा। पेंसिल ये से तो बनाया लगता था है कि मैंने। जो प्रिंट किया हुआ लगता है नहीं, ये प्रिंट किया नहीं, पूरा मैंने हाथों से बनाया है। अपने हाथों से बनाया। देखो दोस्तों कितना सुंदर है। तो भाई जो और दूसरा वाला दिखाओ थोड़ा, ये भी गणपति हुआ। ये क्या पेन से किया ये हुआ है, लॉर्ड गणेशा, हाँ ये ये भी। भी पूरा पेन से, ये वाला पूरा पेन से, और इसका बैकग्राउंड जो है ना वो कलर पेंसिल से बनाया है, अच्छा, पूरा पेन से फ्री हैंड। ओ भाई कितना सुंदर है। तो दोस्तों देखो, और ये भी क्या ये पोस्टर कलर से हनुमान जी बनाया हुआ है मैंने। हाँ पोस्टर कलर से, अच्छा पोस्टर कलर, ये बहुत पहले का है, बोतला वाला देखो, ये भी मैंने पोस्टर कलर से किया था। ये भी पोस्टर कलर से। हाँ ये बहुत भाई पहले का था। इतना सुंदर है भाई, ये भी फ्री हैंड बनाया मैंने, अच्छा। और ये भी, ये एक अनपीत कौर जी का बनाया था मैंने पेंसिल से। हाँ ओ भाई इतना सुंदर। पेज दिखाओ तो एक बार। ओ भाई ये क्या है, क्या ये मैंने रियलिस्टिक आई बनाया था एक, कितने लोग हैं यहाँ पे, क्या कितने लोग हैं यहाँ पे, ये एक रियलिस्टिक, दो। नहीं ये रियलिस्टिक आई है एक, और ये पीछे अलग आर्ट वर्क, ये दोनों एक साथ रख दिया था मैंने। अच्छा, वो देख ये रियलिस्टिक मैं आए। ये आपको खुल के दिखाता हूँ, हाँ दिखाओ जो। ये देखिए, ओ भाई, ये मैंने मतलब एक ही मतलब तो दोस्तों देखो इतना सुंदर, पूरा पूरा की पूरा, इसको क्या बोलते हैं ये। ये आई बोलते हैं, पूरा हाँ आई, रियलिस्टिकली ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया, ओ भाई ये सिर्फ पेंसिल से बनाया हुआ है। पूरा पेंसिल से, पूरे रियल लग रहा है भाई, एवोर्ड के मिला यूनिक आर्ट वर्क, वाओ। एक फेस का दो। एक फेस में दो ना, इतना सुंदर। अरे क्या, सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी, बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया हुआ है पेंसिल से। ये भी एक मतलब कि इसके बाद ये बनाया ना, हाँ इसके बाद वाओ। दूसरा पेज की दिखाओ एक बार, ये वाओ। आयरन मैन, आयरन मैन का बनाया उनका भाई, मतलब रियल नेम याद नहीं है, बट आयरन मैन याद है। अच्छा वाओ। देखो दोस्तों जो उसका जो बाल जो है ना, पूरा की पूरा रियल की तरह लग रहा है। साथ ही साथ देखो उसमें स्किन जो, स्किन के टेक्सचर्स वगैरह वाओ वो भी पूरा रियलिस्टिक। ओ माय गॉड, और इसका नाम क्या है, ट्रिगर्ड इंसान, ट्रेगर इंसान, हाँ ट्रिगर्ड ट्रेगर इंसान, इंसान को भी बना दिया। निश्चय मदन, उनका अच्छा यूट्यूब में चैनल है अच्छा उसको वो। देखा ही तुमने, आपने बना हाँ दिया। वाह देखो इसको बाल जो है ना, ये देखो शायद पूरे पूरा के पूरा बाल जो है ना, पूरा रियल की तरह लग रहा मे है। भी 1 साल हो गया इसको बनाने। एक साल के ऊपर हो गया। हाँ कौन चल रहा, अच्छा तो दूसरा पेज दिखाओ एक बार।
ये मेरा सिस्टर है, उनको मनाया था, कजन। आपका कजन सिस्टर? हाँ कजन। वाओ, पूरा की पूरा रियल की तरह लगता है भाई। आपने तो पूरा जो हम लोग का फोटो खींचने के बाद पेंट करते हैं ना, पूरा लाइक ऐसी तरह साड़ी के स्ट्रक्चर वगैरह। ओ भाई, पूरा एक एक को बहुत, इसमें बहुत पेशेंस लगता है भाई। मैं तो ये देख के बहुत डर लगता है भाई, ऐसे इतना छोटा छोटा कैसे आर्ट कर लेते हो भाई। ओ भाई, उसका आईब्रो और आई में देखो बहुत डेंजर है भाई। और इसका ये सोनू जी, सोनू सूद जी का मैंने बनाया था। अच्छा, ओ भाई, और ये सिंगम, सिंगम साहब को भी बना दिया, अजय देवगन। अजय देवगन का सिंगम, सिंगम जब फिल्म शूट किया था इसी टाइप का ना। बहुत सुंदर है भाई उनका जो गॉगल्स है वो भी बहुत रियलिस्टिक है, मैंने बनाया। हाँ तो भाई पूरा रियलिस्टिक है इसके जो है ना, इसमें ग्लेज जो शाइनिंग, हाँ ग्लेज मार रहा है ऐसे लाइक लग रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ रिफ्लेक्ट भाई। और इसका नाम कियारा आडवाणी फ्रॉम शेषा मूवी। शेषा मूवी से ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट आर्टवर्क है, आर्टवर्क में से एक। इसमें मैंने करीब 10 दिन के ऊपर टाइम स्पेंड किया इसमें, इस आर्टवर्क में 10 दिन के ऊपर लगा भाई सब। देखो दस दिन धीरे करके क्या धीरे पेशेंस रख के भाई 10 दिन के ऊपर लगा इसका। देखिए बाल का स्पेशली हेयर को, ओ भाई पूरा रियलिस्टिकली, पूरा की पूरा रियल लगता है भाई। कोई देख के पहचान नहीं बोल पाता ये हाथ से बनाया है, सब बोलते हैं प्रिंट आउट है। मुझे भी तो लग रहा है प्रिंट आउट करके, ये हाथ से बनाया। और दूसरा पेज इस तरफ में, ये मैंने मैम को बनाया था, हमारा कॉलेज के मैम को, उनका बर्थडे था, उनको गिफ्ट किया। अच्छा, आपको कॉलेज का मैम? वाओ वाओ। और इसका ये मतलब एक क्लाइंट्स का कमीशन वर्क था, तो उनको रियल कॉपी दे दिया, हार्ड कॉपी, और मैंने ऐसे प्रिंट करके रखा था। ये भी कमीशन वर्क था मतलब। अच्छा, एंड ये भी मनाया था मैंने पोस्टर कला से इंडिपेंडेंट डे के दिन 15 अगस्त पे। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे ये उसका खत्म हो गया। हाँ, इस पे यही खत्म नहीं हुआ, और भी है मतलब फ्रेम करके रखा हुआ है। और फ्रेम करके रखा हुआ है। अच्छा, जो सामने जो उसके ऊपर में फ्रेम करके रखा हुआ है ये वाला। वाओ, ये वाला भी किया? नहीं, ये ऐसे। और ये वाला? ये वाला मैंने किया पोस्टर कलर, होली स्पेशल। और ये तो अभी जो है उसका मतलब हार्ड कॉपी आपने अभी देखा, मैंने प्रिंट आउट करके रखा ये वाला। इसके बाद ये स्टील लाइफ भी बनाया था मैंने। ये हार्ड कॉपी है क्या? हाँ ये हार्ड कॉपी है, एक्रेलिक। वाओ, ये तो बोतल जो है ना ओरिजिनल की तरह लग रहा है भाई। हाँ, मतलब लाइट की वजह से अच्छे से नहीं दिख रहा है। ओ भाई देखो दोस्तों कितना सुंदर से बनाया हुआ है, एक्रेलिक से किया। अच्छा, एक्रेलिक ऑन कैनवास, ये प्रिंट आउट है, ये सब वाल, सब प्रिंट आउट के लिए अवार्ड में रखा, वॉल के रखने के लिए आपने यहां पे रखा, नहीं तो खराब हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, इसलिए। तो उसका ड्राइंग टूल्स भाई क्या-क्या चीज से बनाते हो आप? ये तो पेंसिल्स वगैरह, ग्रेफाइट चारकोल्स वगैरह, ये तो ब्रशेस है जो ब्लेंडिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, मेरे को तो उतना नाम ही नहीं पता है, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात। और ये क्या चीज है, इतना छोटा सा पेन है? ये तो मैकेनिकल पेंसिल है जो हम मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। इतना छोटा है क्या? हाँ, 0.7 mm का है। अच्छा, ये वाला? हाँ ये वाला टाम्बो 0 eraser है। कितना छोटा है क्या? हाँ, उसे मतलब छोटे छोटे जगह को हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं टाम्बो मोनो 0 eraser, ये मेड इन जापान का है। अच्छा ठीक है, इसको रख, इसको ऐसे ऊपर करना है ना। हाँ, अच्छा, तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि उसने आर्ट किया हुआ है, कितना अच्छी तरीके से आर्ट किया हुआ है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी कमेंट में कर जरूर बता देना कि कैसा रहा उसका आर्ट, जो आर्ट किया हुआ है। और तो मतलब कि तो आपने मतलब कि कितने साल से मतलब कि ड्रॉइंग मतलब आर्ट? मेरा लगभग 10-11 साल से मैं ड्रॉइंग बना रहा हूँ, और बचपन से ही आर्ट ड्रॉ करने से आर्ट से इंटरेस्ट था, तो मैं बचपन से अभी तक भी कर रहा हूँ, 10-11 साल लगभग हो गया, और फ्यूचर में भी करूँगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब कि मेरे दोस्त जो है वो कमीशन आर्टवर्क भी करता है, मतलब कि पेंटिंग स्केच वगैरह बनाता हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट हो, आपका किसी का स्केच बनाना हो, तो मुझे इंस्टाग्राम में
मीडियम कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब कि किसी को अगर मतलब कि आर्ट वर्क करना कराना चाहते हैं तो आप लोग मतलब कि उनसे डीएम कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका इंस्टाग्राम आईडी, तो उसका इंस्टाग्राम आईडी जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उनसे मतलब कि फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ जो मैंने बोला है डीएम कर सकते हो जो अगर आपको आर्ट वर्क कराना चाहते हो तो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जयदीप आर्ट, जयदीप डॉट आर्ट, फॉलो कर लेना, तो उसका चैनल सॉरी उसका इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर देना। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट में जरूर बता देना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर मिलने से पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, तो आज के लिए यहीं पे बाय बाय।